हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपनी चैनल एवरीडे फोकस में। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूँ, राजस्थान पुलिस भर्ती। जी हाँ दोस्तों, इसका बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ चुका हूँ। कांस्टेबल के लिए एग्जाम डेट बिल्कुल कन्फर्म हो चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों 15 से 16 लाख फॉर्म भरे गए हैं और 2 सप्ताह तक आप लोग करेक्शन करा सकते हो। बिल्कुल मैं ऑफिशियल 101% प्रूफ के साथ ये न्यूज़ बता रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप लोग दोस्तों क्लास लेना चाहते हो और आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो प्लीज़ हमारे न्यूज़ चैनल मून स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मून स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए दोस्तों, क्या पूरी जानकारी मैं आपको ऑफिशियल दे देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर, 12:53 पर यह न्यूज़ है। 10 फरवरी की यह न्यूज़ है। यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हो, अगले महीने होगी कांस्टेबल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा। मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में होगी लिखित परीक्षा। पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को भेजा प्रस्ताव। PHQ को अभी तक मिल चुके करीब 15 लाख आवेदन। चलिए अब न्यूज़ पेपर लेकर चलते हैं, वहाँ पर आपको प्रूफ दिखाता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे, कांस्टेबल के 5,438 पदों के लिए आए 15 लाख से अधिक आवेदन। और दोस्तों पेज नंबर 16 पर आपको न्यूज़ मिल जाएगी, दैनिक नवज्योति की न्यूज़ है और जोधपुर मंगलवार 11 फरवरी 2020 की ये न्यूज़ है। यहाँ पे ऊपर आप लोग देख सकते हो किनारे 16 पेज नंबर पर आपको मिल जाएगी। चलिए क्या है न्यूज़ अब देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कांस्टेबल के 5,438 पदों के लिए आए 15 लाख से अधिक आवेदन। प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए शुरू की गई प्रक्रिया तेज गति से पूरी की जा रही है। माना जा रहा है कि मार्च माह में कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण तक पहुंच जाएगी। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस मुख्यालय भूपेंद्र कुमार दक ने बताया कि प्रदेश से पुलिस में 5,438 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हर कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में लगातार आवेदन कर रहे हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2020 थी। इस दिन के रात 11:59 तक आवेदन स्वीकार किए गए। कांस्टेबल के 5,438 पदों के लिए 15 से 16 लाख के बीच आवेदन प्राप्त हुए। अब 2 हफ्तों तक फॉर्म में किसी प्रकार की कमी को पूरा करने के लिए समय दिया गया है। इसके बाद परीक्षा कराने की प्रक्रिया पर अमल लाई जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 सप्ताह आपको समय है, 2 वीक्स आपको समय है करेक्शन कराने के लिए। तो करेक्शन कर सकते हो, कोई अगर आपको गलती हो गई है या आपने OBC के दर पे SC कर दिया है या SC पे जनरल कर दिया है, कोई भी आपने अगर गलती की है तो जाके करेक्शन करा सकते हो। 2 सप्ताह की समय दी गई है और आपका जो एग्ज़ाम होगा 2 सप्ताह यानी कि लगभग 15 मार्च से पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और साथ ही साथ बहुत बड़ी खुशखबरी ये है दोस्तों कि बहुत तेज़ी से काम चल रही है, जल्दी से जल्दी आपकी नियुक्ति यहाँ पे मिलने की चांस है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़ ऑफिशियली। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे न्यूज़ चैनल मून स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। वहाँ पर क्लासेज भी चलाई जाती है, साथ ही आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बगल का बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर देना।